हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडियन यूट्यूबर आया था नाबू। आज मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट में, कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में जो एक मेला चल रहा है अभी, जिसको राश मेला बोलता है, ये नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। जो काफ़ी यहाँ पे इस तरह का छोटा छोटा मेला काफ़ी सारा एरिया में होता है, बट यहाँ पे जो कोचबिहार टाउन में जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा है। ये काफ़ी एक बड़ा एरिया में ये होता है और इसका काफ़ी सारा एंट्री पॉइंट है। तो मैं कोई भी एक एंट्री पॉइंट से एंटर कर रहा हूँ जो मेरा घर से नज़दीक है। मैं वहाँ से एंट्री करके इस एरिया का सारी इन्फॉर्मेशन जितना आपको मैक्सिमम दिखा सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और मैं ट्राई करूँगा कि मैक्स टू मैक्स सारे एरिया कवर हो जाए, सारे राइड्स, शॉप, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सब कुछ। और इस वीडियो में मे बी आप लोग काफ़ी सारे व्यूअर्स मे बी इस वीडियो में होंगे, क्योंकि मैं रैंडम शूट कर रहा हूँ। सो जो भी वीडियो में देखेगा वो प्लीज़ अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये छोड़ के भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी चालू करते हैं। सो मैं ये नूतन बाजार एरिया से एंटर कर रहा हूँ, मेरा घर जिला परिषद ऑफिस के आसपास में है, तो वहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। सो ये लेफ्ट में जो दिख रहा है, ये श्री कृष्ण भंडार जो स्वीट शॉप है, यहाँ पे सबसे फेमस स्वीट शॉप सम्राट के बाद, तो इस इधर से मैं एंटर कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से एक एक पॉइंट। सो आज का जो डे है, ये सैटरडे का डे है। अभी मेला जो है 8 तारीख चालू हुआ और आज है 12 तारीख। सो ये 5th डे है। सो अभी उतना ज़्यादा फ्राइडे तक उतना ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं था, बट आज सैटरडे है, सो वीकेंड है, तो आज से मैक्सिमम भीड़ चालू होगा। ये जो रोड दिख रहा है, ये सीधा मोड़ापड़ा जाता है और पीछे ये नूतन बाजार के लिए है, तो इसी रोड से मैं एंटर कर रहा हूँ। और ये जो है, ये सबसे फर्स्ट जो गली है जिधर सारे राइड्स वगैरह है, वहाँ से मैं फर्स्ट एंटर कर रहा हूँ। सो एंट्री में राइड में यहाँ पे जो हवा मिठाई बोलता है, इसका एक शॉप है, देखो यहाँ पे ये प्रिपेयर भी कर रहे हैं लाइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और एंट्री पॉइंट में सबसे राइट में जो है, ये एक शो चल रहा है यहाँ पे। और जो लेफ्ट में जो है, सबसे पहला ये जो अपना देशबंधु मार्केट था, वो मार्केट अभी मेला में ट्रांसफ़र हो गया मेले के टाइम के लिए, तो इधर राइट में यहाँ पे देख सकते हो, ये नर रक्षस बोलता है, तो ये सुकुमार दास करके कोई है, कोई फेमस है, जो GTV में भी इनको दिखा गया था। तो इनका ये शो चल रहा है यहाँ पे, कुछ राक्षस जो खाता है, जो नॉर्मल आदमी नहीं खा सकते, वो खाते दिखाएंगे। 40 रुपीज़ का एंट्री प्राइस है और 50 मिनट्स का शो, तो इसको देखने के एंट्री जो जा सकते हैं। और राइड में यहाँ से जो स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों का राइड से जो विदाउट इलेक्ट्रिक चलता है, ये जंपिंग है, ये एक नॉर्मल जीप है। इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है इस मेला में, जितना भी लाइक विदाउट मशीन है, उसका प्राइस लगभग 30 या 40 है। जो थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है वो 40, और जो थोड़ा सिंपल है वो 30 है। और कुछ एक दो राइड्स है जो काफ़ी सिंपल है, बाइक ओनली विदाउट इलेक्ट्रिक, वो 20 रुपीज़ का है। सो स्टैंडर्ड जो चार्ज है वो 30 और 40। ये जो राइट पे आपको दिख रहा है, ये तो वो जंपिंग होता है बच्चों की, तो ये 40 रुपीज़ का है, ये चाहिए वाला 50 का है। 50 रुपीज़ के लिए कुछ टाइमिंग सेट कर देगा, उस टाइम में आप बच्चों का छोड़ सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये एरोप्लेन राइड है, इसका प्राइस 60 किया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जो भी है वो थोड़ा सा हाई प्राइस का है। ये भी कुछ जंपिंग राइड्स, ये जो एरिया है, यहाँ पे नॉर्मल अलग से शॉप नहीं है, सब सारी के सारे राइड्स है। यहाँ पे तो एक शो हो रहा है नागिन करना, तो ये मैं गया था
तो इसमें एक शो इस तरह का है कि एक स्नेक का जो हेड है वो लड़की का नीचे है, पता नहीं एग्जैक्टली कितना सच कितना झूठ, बट आपको देख के सच लगा। तो ये जो राइट से ये हैमर राइट बोलते हैं इसको, ये पहले नहीं आता था, कुछ साल से आने लगा, ये इस एरिया का सबसे डेंजरस राइट में आता है। ये जो है ये मेरी गो राउंड जिसको नबुरदुल्ला बोलता है, ये इस बार दो बड़े बड़े साइज का आया है और बाकी बच्चों का जो हैंड वाला है विदाउट मशीन। तो है हैमर में अभी कोई है ही नहीं, चरा नहीं, तो नहीं दिखा सकता हूँ, मेरा शॉर्ट वीडियो में एक होगा हैमर का, वहाँ का भी देख सकते हो इस तरह का चलता है। तो राइट में ये जो दिख रहा है इसको टोड़ा टोड़ा बोलता है, ये भी बहुत पहले नहीं था, बाद में ये आया, ये 80 रुपीज़ का है। जितना भी राइट से इलेक्ट्रिक बड़े बंदा के लिए वो 80 रुपीज़ का है, फिक्स रेट है, और सिर्फ ये जो नागरदुल्ला है ये 100 का है, बाकी सब 80 है। ये ऑक्टोपस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड्स है, इसको राइड्स का शौक है, वो इसी एरिया में भीड़ लगाते हैं। अच्छा ही है, मेला में यही वैरायटी है, जिसको जिस तरह का शौक है वो उधर जाता है, जिसको नॉर्मल शॉपिंग का शौक है उधर जाता है, जिसको राइड्स का शौक है उधर जाता है। ये टोड़ा टोड़ा जो है ये दो आया है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये जो ये बोट सिस्टम है ये ड्रैगन बोलता है इसको, ड्रैगन बोट, सो ये भी काफ़ी इंटरटेनमेंट है। ये जो राइट में है ये ब्रेक डांस, और ये जो है ये नागरदुल्ला इस बार क्या किया, लाइट से इन लोग तीन कलर का डिज़ाइन किया है ऊपर से नीचे तक, तो इसका जो व्यू है दूर से काफ़ी अच्छा दिखता है, वो अट्रैक्शन के लिए इस तरह का लुक दिया है। आगे बढ़ते हैं राइट से एरिया की तरफ, और क्या क्या राइट से देखो, यहाँ पे जो स्मॉल लगातार दिख रहा है ये विदाउट मशीन है, लाइक हैंड से मूव कराते हैं, तो वो बच्चों के लिए। ये ट्रेन है, इसमें लगभग 3 से 4 साल का बच्चा भी चढ़ सकता है इसमें, विद गार्जियन का लेना चाहिए। ये जो राइड से ये आई थिंक 1-2 साल से आ रहे, पहले ये नहीं था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड से, ये अभी बंद है, अभी लोग आएगा तो भी चलेगा। और जो आगे का एरिया है वो बाथरूम वगैरह का एरिया है, अगर वो आप पे जाना है तो सेपरेटली अभी मेंटेन किया है बाथरूम। तो अभी जो राइट्स एरिया है यहाँ से मूव करके नेक्स्ट जो मेला का पोर्शन है उस तरह का चलते हैं, और देखते हैं उस तरह में क्या क्या चीज़ आया है। नॉर्मली इससे पहले जो मैं वीडियो शूट किया था उस टाइम लास्ट डे प्रिपरेशन था, जो 8 तारीख स्टार्ट हुआ था वो 7 का था, तो उस टाइम सारे चीज़ चालू नहीं हुआ था और भीड़ तो बिल्कुल था ही नहीं। सो यह सैटरडे है तो आज थोड़ा भीड़ होना चालू हुआ, और कल संडे, कल तो और ज़्यादा रहेगा। ये शॉप है, ये मुंबई पपड़ी चाट, मुंबई से आया ये पपड़ी चाट का। यहाँ पे भीड़ जितना भी देखे बट यहाँ पे जो लाइक पौरसभा जो है म्यूनिसिपलिटी वो काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया है, और जो यहाँ का पुलिस है वो भी काफ़ी एक्टिव है इस एरिया में पूरा मेला में ही, तो यहाँ पे कोई भी उस तरह का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो भी छोटा बच्चा को लेकर आते हैं तो उसको थोड़ा संभाल के रखना है खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इतना बार मेला हुआ है, इतना भीड़ हुआ है, तो आज तक मैं कभी देखा नहीं कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, तो सब कोऑपरेट करते हैं। सो राइट एरिया से शुरू कर ख़त्म हो गया लगभग, अभी हम लोग एक एक पार्ट में चलेंगे, पहले राइट में जो गली है एक एक गली ट्राई करेंगे मैक्सिमम कवर करने के लिए, देखते हैं कैसा कर सकते हैं।
मेला का जो एरिया है, अगर आप नॉर्मली मूव करोगे आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, बट मैं काफ़ी फास्ट फास्ट मूव कर रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ वीडियो के लिए आए, घूमने के लिए नहीं आए। सो आप लोगों को मैक्सिमम जगह मैं दिखा सकता हूँ इसी मोटिव से। एक स्मॉल बैलून शॉप वगैरह भी है जो साइकिल में 10-20 रुपये का बैलून मिलता है इसमें। और अभी जो यहाँ पे मेन लाइक एक इंटरेस्ट है सबको बिरयानी का, तो अभी जितना भी चाट वंडर है उसमें मैक्सिमम जगह में बिरयानी ऐड की है, तो वो रह गए रहे। और भेलपुरी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉप है उसका है भेलपुरी। ये तो बैलून है जो शूट कर सकते हो गन से। तो राइट में ये भी सिलीगुड़ी सा है, सिलीगुड़ी चाट। ये भी एक चाट का शॉप है। ये मोमो मिया एक कोचबिहार टाउन में एक शॉप है जिन्होंने इस बार मेला में स्टॉल लगाया मोमोज के लिए। ये रसमला एक्सपो है, यहाँ पे कुछ जो हैंडलूम वगैरह या बाहर का डिज़ाइनिंग चीज़ें, एक स्पेशल चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली इसका स्टॉल लगा है। तो स्टार्ट करते सबसे पहला गली से। ये गली जो है, ये जो फिश बिजनेसमैन है, जो फिश का शॉप है जिसका दुश्मंत मार्केट है, उन्होंने के लिए मेला में परमानेंट मार्केट कर दिया कि यहीं पे लोग बैठेंगे। तो फिश चिकन और जो अपना नॉर्मल थोड़े बहुत वेजिटेबल शॉप से वो इसी के अंदर सेपरेटली है। तो मेला का टाइम आपको अगर ये सब लेना है तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। शुरू में जो शॉप है वो चिकन का है, लेफ्ट में एंड राइट में। इनके एक जनरल ऑफिस भी है इनका जो कमेटी का, तो ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग से राइट में चिकन शॉप, बीच में जो सब्जी का शॉप है एंड लेफ्ट में फिश का। ये मेरा जाना पहचान एक चिकन शॉप है जिससे मैं हमेशा चिकन लेता हूँ, तो ये यहाँ पे स्टॉल लगाई है। सब्जी का उतना शॉप जितना देशबंधु मार्केट में नॉर्मल मिलता है उतना सारे तो आया नहीं क्योंकि प्लेस का शॉर्टेज की वजह से, बट मैक्सिमम कवर हुआ है इसमें। ये ड्राई फिश का शॉप है, कुछ लगभग 10-12 सब्जी का शॉप है, ज़्यादा है नहीं। सो ये दोनों तरफ से इनका बोर्ड लगा हुआ है, लोग दूर से भी देख सकते हैं कि इनका बोर्ड कितना। तो ये एरिया कवर कर लिया हमने, देन नेक्स्ट गली में चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो शॉप है ये नर्सरी का है, तो यहाँ पे कुछ कभी स्मॉल वगैरह स्मॉल ट्रीज है जिसमें ऑलरेडी फ्रूट्स हुए हैं, तो ये स्पेशल नर्सरी शॉप है। आपको जिसका पेड़ पौधा का शौक है वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये नॉर्मली पुलिस ऑफिस का एरिया है, स्टार्टिंग में ही उनका कैंटीन है, यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड है पुलिस कैंटीन, और अंदर ये पुलिस का एरिया है। इसमें इनको टेम्पोररी ये मेला के लिए कुछ ऑफिस बैठा है, पूरा पुलिस का जो भी लाइक उच्च पद का अधिकारी है जो भी हेड वगैरह है उनका अलग अलग सेपरेट रूम है यहाँ पे। कुछ भी इमरजेंसी वगैरह होगा तो यहाँ से इन लोग मेंटेन करते हैं मेला के टाइम। ये पुलिस कैंटीन है, उनके लिए ये कैंटीन है स्पेशली। ये जो चार रूम है, ये चार रूम उस बड़े पद का अधिकारी है उनके लिए है चार रूम। और यहाँ पे कोचबिहार पौरसभा का एक लाइक म्यूनिसिपलिटी का एक सेपरेट लोकेशन बना है। ये एक वीआईपी रूम है यहाँ पे। ये जो पुलिस एरिया है इसके एंट्रेंस में लाइट से भी काफ़ी सजाया गया है, बहुत तो स्पेशल बनाया गया है, देख सकते हो। सो यहाँ से स्टॉल चालू होता है जो कपड़ा का स्टॉल वगैरह है, और ये मैक्सिमम मेला में जो शॉप होता है वो फिक्स रेट का होता है, यहाँ पे उतना आपको बार्गेनिंग कमी होता है एक्चुअली। यहाँ पे देखो ऑलरेडी रेट काफ़ी कम लगाते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे रेट वगैरह 70-60 सब में कुछ मिक्स प्राइस्ड इस तरह का लिखा हुआ है।
तो जो प्राइस है आपको काफ़ी कम में मिलेगा नॉर्मल शॉप से, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ कुछ जो महंगा थोड़ा सा है उसमें बार्गेनिंग वगैरह होता भी है, और मेला जब ख़त्म होगा उस टाइम में थोड़ा सा प्राइस वगैरह इन लोग घटा देंगे, क्योंकि इनको स्टॉक ख़त्म करना होता है उस टाइम। सो पहला गली से बाहर निकल के यहाँ से हम लोग रोड पे आ गया, जो रोड अपना यहाँ से सीधा जो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो इस एरिया में सबसे जो नज़दीक एटीएम है वो एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, जो मेला का साथ लगा हुआ है। बाकी एटीएम भी काफ़ी सारा अलग अलग जगह में है, तो यहाँ से जिसको पैसा उठाना है वहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शॉप में कार्ड का फैसिलिटी नहीं है, बट यूपीआई वगैरह है, मैक्सिमम शॉप में यूपीआई ऐड कर दिया है। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट गली की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। और जो मेन रोड है, इस रोड का बीच बीच में भी शॉप बैठा है, यहाँ पे नो एंट्री कर दिया है, अभी कोई भी टोटोस वगैरह या बाइक किसी का भी एंट्री नहीं है। जो स्पेशल जिसका घर वगैरह इस एरिया में है, तो उसका बाइक में वो भी पास अवेलेबल है, सो ही बंद आ सकते हो, तो उसके लिए बाइक में एक पास लगने का जरूरत होता है उसमें। सो ये एक दादा भाई होटल का लिखा है, जो यहाँ पे एक परमानेंट होटल है, नॉर्मल वर्कर्स वगैरह यहाँ पे खाना खाते, तो इनका भी एक शॉप यहाँ पे लगा है। बाहर से शॉप आया तो आया ही, बट यहाँ पे जो नॉर्मल शॉप है उन लोग का भी स्टॉल मिला पे है। सो ये हर एक माल बोलते हैं एक जगह थी इसको, ये सबसे ज़्यादा भीड़ इसी एरिया में होता है, क्योंकि इस सब में क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है, 10, 20, 30, 5 रुपीस इस तरह का प्राइस होता है। तो कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई वो नहीं, मतलब प्राइस लेके कोई बात ही नहीं करना है, वो फिक्स प्राइस है, आपको सीधा लेना है, बस जो लेना है एक फिक्स प्राइस। राइट में यहाँ पे एक नॉर्मल जो इमिटेशन का ज्वेलरी शॉप है, इसका भी फिक्स प्राइस है। नीचे का जो सब नेकलेस वगैरह दिख रहा है 100 का है, ऊपर जितना भी इयरिंग दिख रहा है ये 40 करके है, इसमें बोर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। सो कोई आपको दाम का पूछना नहीं है, जो चूज़ होता है आप सीधा ले लो और उस रेट से ले लो। ये जो लेफ्ट में ये वो घर डेकोरेशन का कुछ शॉप है, इसमें काफ़ी अच्छा वैरायटी इस तरह का फ्लावर पॉट, ये झूला, काफ़ी अच्छे तरह का घर डेकोरेशन का है, वो आप जिसको शौक है वो ले सकते हैं। ये एक मैजिक शॉप है जिसमें मैजिक इक्विपमेंट बेचता है, और साथ साथ आपको सिखाता है भी, आप जो इक्विपमेंट परचेस करोगे वो आपको सिखाएगा कैसे उसको यूज़ करोगे। तो ये सब बाहर से नॉर्मल कुछ शॉप आया है टॉयज़ वगैरह का या घर का ऐसी शेल चीज़ों का। सो ये जैसे यहाँ पे एक शॉप है उसमें लिखा है कोलकाता से आया, इस तरह काफ़ी अलग अलग एरिया से आया है। एक सपना वैराइटी से, ये भी काफ़ी पुराना शॉप है, एवरी ईयर ये आते हैं। एक कपलेट का कुछ शॉप है, इसमें आपको घर का A to Z जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं A to Z आपको यहाँ पे मिलेगा। या रेस्टोरेंट में जितना खाने का चीज़ है, या घर में जितना ज़रूरत है, या मार्केटिंग में जो भी चीज़ चाहिए, हर चीज़ एक जगह में मिल जाती है। तो ये पूरा एरिया इस तरह का ही शॉप है, बीच में 2-3 होटल्स हैं, होटल्स में रेस्टोरेंट वगैरह, बाकी सब इस तरह का ही टॉयज़ का और कुछ एसेंशियल चीज़ों का। ये एक टैटू सेंटर है, इसमें प्राइस रेट वगैरह लगा हुआ है, जो भी इसका शौक है टैटू कराने का वो आप करा सकते हो। सो ये दूसरा गली से फिर से अभी हम लोग राइट्स वाला एरिया आ गया, तो अभी एक राइट्स में अभी जो चढ़ना भी है, हाँ तो उसको ड्रैगन राइट्स बोलता है, तो इसमें अभी मैं चढ़ूंगा इसमें। मैं मेरा एक भांजी के साथ आया हूँ आज, मेरा एक कजिन सिस्टर का बेटी है उसके साथ आया हूँ, तो हम लोग दोनों मिलके इसमें चढ़ते हैं। इसका 80 रुपीस प्राइस है, पर एंट्री 80 रुपीस का है। सो एक राइड से आज चलेंगे, यस पूरा मेला को वीडियो मुझे कवर करना है, तो उतना टाइम आज मुझे मिलेगा नहीं। ये बोर्ड है इसमें हम अभी चढ़े हैं, ये मेरा भांजी है जो बोला अभी, मेरा कजिन सिस्टर का बेटी है, उसका नाम है अनीशा।
और यहाँ से देखो ये लेप में काफ़ी अच्छा तरह ये टोड़ा टोड़ा जो है ये घूम रहा है, काफ़ी अच्छा तरह से दिख रहा है ये। सो ये जो ड्रैगन बोट है ये काफ़ी तेज से मूव होगा, तो इस टाइम वीडियो करना सही नहीं रहेगा, मोबाइल नीचे गिर सकते हैं, कैमरा नीचे गिर सकते हैं जिसके वीडियो यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेटर ये है कि आप यहाँ वीडियो क्लोज करो, आपको यहाँ से लेना है तो आप बाद में नीचे जाकर ले सकते हैं, वो बेटर है। सो ये अभी बोट चालू होगा, सो आगे का वीडियो बोट से उतरने के बाद से फिर चालू। ये ऑक्टोपस घूम रहे हैं, दिख रहे हैं अभी, उसका 8 लेग है और देखने भी उस तरह का ही है, उसका नाम ऑक्टोपस भी है। ये मेरा एक अभी उतर गया अमरोहा से, या मेरा एक कजिन सिस्टर है वो अभी मेला में ही देखा हुआ है, और उसका हस्बैंड है ये जो येलो टी शर्ट में। ये भी मेरा हुआ का एक बंदा है, तो यहाँ पे काफ़ी लाइक नॉन पर्सन में मिल जाता है कि मैं यहाँ का ही हूँ, काफ़ी नॉन पर्सन मिल जाता है। सो नेक्स्ट गली में चलते हैं आगे और देखते हैं इस एरिया में और क्या क्या आया है। तो ऑलरेडी हम लोग जो घर का एसेंशियल चीज़ वगैरह का शॉप था और पुलिस एरिया फिश मार्केट वगैरह वो कवर कर लिया, अभी देखते आगे और क्या क्या है। देखो ये मैक्सिमम शॉप जहाँ भी हम जा रहे हैं हर जगह प्राइस फिक्स लिखा है, वहाँ 10, 20, 150 जो भी प्राइस है, और बीच बीच में कुछ शॉप है जो साइकिल में या स्टैंड में खड़ा हो गए हैं वो उसमें उसका भी प्राइस काफ़ी कम ही होता है, उस पर फिक्स होते हैं, बार्गेनिंग का ज़्यादा स्कोप नहीं है। ओनली जो थोड़ा महंगा टॉयज वगैरह है जो 300-400 का होता है उसमें आप बार्गेनिंग करके 20-30 रुपये कम कर सकते हैं उसका ऊपर। ये कुछ बैक शॉप है इस एरिया में, अभी आगे हम लोग मूव कर रहे हैं इस एरिया से, जो ये मेला का मेन फील्ड था वहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि शॉप वगैरह जो है वो एरिया वाइज बटा हुआ है, इस एरिया में कुछ इस तरह का शॉप है, इस तरह का बटा हुआ है। जो यहाँ पे एमडेन स्टेडियम है उस एरिया में कुछ अलग शॉप है, मदन मोहन जो मंदिर है उसके एरिया में अलग शॉप है, हॉस्पिटल का साइड में अलग एरिया है, तो इस तरह का। सो अभी हम लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, एमडेन स्टेडियम जो है यहाँ पे देखो एक फेमस जिलेपी का शॉप है बाबूरहाट जिलेपी का, दो शॉप है एक्चुअली यहाँ पे, एक घटागुड़ी जिलेपी है बाबूरहाट जिलेपी, दोनों काफ़ी फेमस है, तो देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में जो है घटागुड़ी का था, राइट में ये तो बाबूरहाट जिलेपी। तो अभी हम लोग एमडेन स्टेडियम की तरफ ऑलरेडी एंट्रेंस में आ गए डायरेक्ट मेला का मार्ट से, तो इसका एंट्रेंस में आपको जो बांग्लादेश है वहाँ से कुछ शॉप यहाँ पे आया है कपड़ा का, तो उनका काफ़ी सारे स्टॉल है यहाँ पे, लगभग 8-10 स्टॉल है, तो एक ही एरिया में उनका है। तो जो ढाका है उनका टाउन, उसका जो जामदनी करके साड़ी होता है जो काफ़ी फेमस है, तो बेसिकली उसका ही डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का, जिसका साड़ी का शौक है लुंगी का शौक है तो वो यहाँ से बांग्लादेश का चीज़ें परचेस कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से इनका ही शॉप है सब। और ये कपड़ा का साथ साथ इन लोग बांग्लादेश से एक गुर होता है, गुर वो लेके आए यहाँ पे, उसका
वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है, जो सब यहाँ पे लेके ट्राई करते हैं उसको खाने के लिए कैसे। तो उसका प्राइस वगैरह भी देखो, यहाँ पे चाट टंगा हुआ है, 1 किलो गुर 200 रुपीज़, नोराइल गुर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लोग ऑलरेडी शाही परचेस करना चालू भी कर दिया, अभी मेला का 5th डे है। तो यहाँ से इनका शॉप लगभग एंड होता है, 8 से 10 स्टॉल है इस एरिया से। यहाँ पे देखो एक शॉप है बनारसी पान भंडार, ये बहुत फेमस एक पान है, और इसमें स्पेशल जो है फायर पान, जो पान में लोग एक आग जला के उसको डायरेक्ट मुंह में डालते हैं। तो जिसको शौक है पान का, या फिर जिसको शौक नहीं भी है, वो भी आके ट्राई कर सकते हो। फायर पान का रेस 50 रुपीज़ का है, काफ़ी फेमस पान है, एवरी ईयर ये आता है और सब लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं। तो ये MGN स्टेडियम में जो स्टॉल लगा है, इसमें कुछ कपड़े का शॉप है और अपना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है। ये जो पासपुरा मिदनापुर से एक शॉप, 2-3 शॉप आया है, जिसमें जो पासपुरा का चॉप बोलता है जो काफ़ी फेमस है, स्पेशली जो इनका केले का मोर्चा होता है उसका जो फेमस शॉप है, केले का फ्लावर होता है ना, बनाना फ्लावर्स का जो कपड़े वगैरह होते हैं उसका शॉप है, ये उसको खाने का शॉप है वो यहाँ पे आते हैं। और ये एक कपड़ा का शॉप है, ये सूरत से आया है, गुजरात से। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसका जो भी साड़ी लोग है यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। इसमें 300 का भी कुछ साड़ी है बट वो लिमिटेड है, बट 100 का मैक्सिमम साड़ी है, कोई भी चूज़ करो फिक्स प्राइस है। राइट में कुछ साड़ी है जो 300 का है और लेफ्ट में जो है सब 100 में। आजकल तो कुछ मिलता ही नहीं, बट यहाँ पे इन लोग साड़ी दे रहे हैं तो कोई लेके नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। इसका बगल में जो शॉप है वो कुछ डेकोरेशन का शॉप है, और इसी एरिया का बिल्कुल लेफ्ट में कुछ लाइक टाउन का कुछ लाइक ग्रुप वगैरह है, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट ग्रुप, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिक ऑफिस, इन लोग का कुछ अलग अलग एक इन लोग एक शो दिखा रहे हो, शो मीन्स इन लोग एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक एरिया में, उनका जो चीज़ वगैरह है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ जितना मैक्सिमम है यहाँ पे, मैं सारे कवर करूँगा एक्चुअली। तो सबसे पहला है, ये लिखा है प्राणी संपद विकास विभाग कोचबिहार का। तो इन लोग क्या किया, इनका जो ग्रुप है, इन लोग यहाँ पे क्या किया, एक मटन का शॉप दिया है यहाँ पे। देखो मटन कसा 4 पीस 200। सो एक रेस्टोरेंट टाइप का खुला है, तो यहाँ पे इसको मटन खाना है वो 200 में एक प्लेट मटन 4 पीस का खा सकते हो। नेक्स्ट जो है ये खुद्रो छोटो और माझारी उद्योग, ये जो हैंडलूम का है, घर में ही जो बनाते हैं विदाउट फैक्ट्री में हैंडमेड, तो उसका कुछ शॉप है और इसको काफ़ी अच्छा तरह का डिज़ाइनिंग चीज़ वगैरह है। मैं आपको एंट्री से एंड तक दिखाता हूँ, देखो ये सब हैंडमेड चीज़ें, जिसको लाइक इस तरह का हैंडमेड चीज़ घर में एज अ डेकोरेटिव और यूज़ करने के लिए भी शौक है, वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। देखो बेत का बैग, कैप वगैरह, ठीक सब दिए गए। सो यहाँ से इसका एग्जिट पॉइंट आता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉल है, देखते हो क्या चीज़ का स्टॉल है, ये LIC का है। तो LIC का जो अपना कोचबिहार टाउन का ब्रांच है, उनका एक स्टॉल लगा है। तो यहाँ पे LIC रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू लेके आप डिस्कस करना चाहते हो, तो LIC का काफ़ी सारा बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देगा। वो ये जो पोस्ट ऑफिस है उनका एक स्टॉल खुला है, इसमें भी आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करना है, पूछना है, तो आप आके पूछ सकते हो। ये एक श्रम दफ्तर जो वर्कर वगैरह है उनका एक कमिटीज़ का है स्टॉल, वो खुला है इसमें। इसमें उत्कर्ष बांग्ला करके कुछ है, इसमें भी आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो आके। ये तथ्य और संस्कृति दफ्तर लाइक मीडिया का है, ये
सो इसका भी एक ऑफिस है, इसका काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको अंदर मिलेगा। मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पूरा एरिया कवर करना है तो टाइम उतना नहीं मिलेगा नहीं, तो जिसको इस इंफॉर्मेशन लेना है वो अंदर जाके उसको ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो स्टेडियम का एक्सट्रीम लेफ्ट है उसमें ये सब है स्टॉल, और राइट में नॉर्मल शॉप का स्टॉल है। तो ये आईनी परिसभा दफ्तर है, जो इसमें अभी कुछ चालू हुआ नहीं तो इसलिए नॉर्मल कुछ शॉप यहाँ बैठा हुआ है। मे भी अभी मेला में टाइम है, अभी मे भी चालू होगा। जो ये है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। सो अपना नॉर्थ बंगाल में जो जो टूरिस्ट प्लेस है जो कोचबिहार टाउन से इन लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पे पैकेज सिस्टम करके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आपको पूछ सकते हो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको टूरिस्ट रिलेटेड आपको जाने के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है, इसमें भी कुछ चीज़ें इन लोग बना के इन लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हैंडलूम चीज़ है घर का बना हुआ, तो आप नॉर्मल देख भी सकते हो परचेज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको परचेज ही करना है, आप मेला में यही एक स्पेशलिटी है आपको परचेज करो ना करो आप देख सकते हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको देखना है पूछना है प्राइस पूछना है कोई इशू नहीं है। ये जो एरिया है ये कोचबिहार जिला परिषद का है, और सारी चीज़ें स्वच्छ भारत मिशन जिला स्वास्थ्य दुआरे सरकार हर तरह का जो गवर्नमेंट का स्कीम वगैरह है वो स्कीम एक लाइक एक थीम करके इन लोग आपको समझना चाहते हैं, तो इसका लगा है इसमें, ये आप भी देख सकते हो। पश्चिमबंग समग्र शिक्षा मिशन ये एडुकेशन का है वेस्ट बंगाल का, इसका भी जो आधिकारिक लोग बैठे हुआ है आपको कुछ पूछना है वह जाके आप पूछ सकते हो। देन ये जो है जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लो हेल्थ का रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछना है हेल्थ में क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है फैसिलिटीज़ वगैरह, तो उसका इन्फॉर्मेशन। ये जो अपना कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट का पुलिस है उनका एक शो है, तो शो मीन्स उनका सारी चीज़ वगैरह व्हीकल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा है, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ बट इसमें परमिशन ले लेंगे, पुलिस का चीज़ है पहले परमिशन लेना ज़रूरी है, तो उन लोग बोला कि कोई इशू नहीं है वीडियो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ इन लोग रखा है, एक लेडी लेडी पुलिस ऑफिसर का एक जेम्स का, तो आपको फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पे देखो एक फ़ोटो खींच सकते हो। तो ये सारे वेपन्स जो है अवेलेबल है अपने डिस्ट्रिक्ट में, सबका ऊपर फोटोज डिस्क्रिप्शन लिखा है और नीचे उसका रख भी दिए रियल। जो आपको कुछ पूछना भी है तो इन लोग आपको आप पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन जो भी है इन लोग आपको बताएंगे। ये सारे गन्स वगैरह है, एक स्टिमुलेटर लगा है बाइक के लिए जो बाइक का एक्सीडेंट होता है उसको दिखाने के लिए, और यहाँ पे स्टेज भी एक स्मॉल सा बना हुआ है ऑफिसर्स को बैठने के लिए स्टेज है। सो यहाँ से एग्जिट करते हैं और देखते हैं ये जो एमजे स्टेडियम का फील्ड है इसमें और क्या क्या अवेलेबल है। इसमें ये ब्लैक ड्रेस में कुछ वॉलंटियर्स फोर्स वगैरह है उनका यहाँ पे देख रहे हो। सो ये पूरा एरिया पुलिस का ही है। ये हृदय छुए कैथेड्रल जो अपना डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस कैथेड्रल है उनका भी एक स्टॉल लगा है यहाँ पे, और ये स्वनिर्भर गोष्ठी दीदीदेर हाथे तो सुशुद्ध खाद्य जो स्वनिर्भर गोष्ठी है उनका एक रेस्टोरेंट लोग खुला है। यहाँ पे कन्याश्री उसका भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें है। देन आगे जनस्वास्थ्य कारीगरी दफ्तर उसका भी एक दफ्तर खुला है। देन ये इलेक्ट्रिसिटी का भी खुला है, मतलब हर दफ्तर का एक एक स्टॉल खुला है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन जो भी आपको नॉलेज वगैरह है आपका शिकायत वगैरह है ये सब पूछ सकते हैं। तो ये नो पार्किंग एरिया कर दिए, पार्किंग नहीं कर सकते यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह मे भी उनका वो उपाय कर सकते और आप अलग से नहीं कर सकते। ये पुलिस का कार वगैरह यहाँ पे पूरा अवेलेबल है, इनका कोई भी इमरजेंसी में कुछ भी है तो यही पे अवेलेबल है। जिस एरिया में आप जा रहे हो भेलपुरी स्टॉल आपको हर एरिया में मिलेगा।
सबसे ज़्यादा शॉप जो है इसी का ही है। तो एमजीएन स्टेडियम का अंदर भी कुछ बच्चों का राइड्स है स्मॉल स्मॉल जो विदाउट मशीन है। ₹20 का 6 गोली देता है इसमें, 6 बुलेट ₹20 जो बैलून शूट करने के लिए। सो यहाँ पे एक वॉच टावर है, इस तरह का वॉच टावर पूरा फील्ड में काफ़ी सारा में होगा, तो इसका ऊपर से पूरा ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया ऑब्जर्व होता रहता है। तो कंटिन्यूसली वहाँ पे कोई ना कोई पुलिस रहता है जो पूरा ऑब्जर्व करते ऊपर से, कोई भी नीचे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक स्टेज है एमजीएन स्टेडियम में, ये कोचबिहार म्यूनिसिपैलिटी है उनका लाइक मेंटेन किया हुआ एक प्रोग्राम है, डेली यहाँ पे प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे जो भी वेस्ट बंगाल का सेलिब्रिटी या बाहर का कोई सेलिब्रिटी सिंगर वगैरह डांसर, तो इन लोग कोई एक स्पेशल एक बंदा को लाते हैं डेली, कोई भी एक ग्रुप को, डांस ग्रुप को, और नॉर्मल जो अपना कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ग्रुप्स वगैरह है डांस का या फिर म्यूजिक का जो भी, तो इन लोग सब परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे। इवनिंग से चालू होता है और लाइक 11 PM तक प्रोग्राम चलता है। और फास्ट फूड का भी काफ़ी सारा स्टॉल उसका सामने ही है, जिसको प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम एंजॉय करना है वो डायरेक्ट यहाँ पे आके बैठ सकते हो। इसमें काफ़ी सारा बैठने का कैपेसिटी भी है। तो इस एरिया में कंटिन्यूसली 7-8 आइसक्रीम का शॉप भी एक ही जगह में रखा है, जैसे भेलपुरी स्टॉल, हर भेलपुरी स्टॉल में इतना ही भीड़ मिलेगा। जितना भी पानीपुरी का शॉप है ये एक जगह में बैठा है, सारे स्टेज का राइट सेट में एक ही जगह में। ये देखो बच्चों का राइट से एरोप्लेन, ये सब ₹30 का राइट से, ये जीप, ये पिकॉक राइट से, ये मेरा बेटी को डेली इसमें एक बार चढ़ना होता है पिकॉक राइट, इसमें कभी 30 कभी 40 डेली प्राइस चेंज होता है, कभी 30 कभी 40, पूरी लोग भीड़ का सबसे लेते हैं। इसमें कुछ राइड्स ये जंपिंग वाला है, इस पर काफ़ी अच्छा थीम बना है इस बार, ये बड़ा करके बना है इस एरिया में। ये प्लेन एरिया है और ये हाइड वाला है, तो इसको जिस तरह का इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए है बेसिकली। और देखो स्टेडियम का इस साइड में कुछ स्टॉल खुला है, इसमें क्या है पर्ल, इसका कुछ स्टॉल वगैरह लगा है। ये एक कोचबिहार में 3D स्कूल खुला है, 3D एनिमेशन सीखने के लिए, किनेटिक करके स्कूल का कुछ प्रोमो कर रही है। देन ये झंडू जो बाम होता है उसका जो स्टॉल लगा है, नवरसों का स्टॉल लगा है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर स्टॉल को, न्यू चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। लेफ्ट में इस एरिया में काफ़ी भीड़ है, क्योंकि काफ़ी कुछ लाइक अच्छा फूड का स्टॉल इधर है, ये इस एरिया में भीड़ है। और ये कनेक्टिंग भी है वो मेन राइड्स वगैरह से डायरेक्ट स्टेडियम आने का। ये तंदूरी नाइट टेस्ट अफगान, ये एक रेस्टोरेंट है, अफगानी डिश बनाता है। ये KFC है कोचबिहार फ्राइड चिकन, जैसे KFC होता है ये KFC है, इसमें जो चिकन फ्राई करने का शौक है वो खा सकते हैं। देन ये यहाँ पे तंदूरी चाय, ये एक स्पेशल चाय यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग घूम के फिर से उसी एरिया में आके जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे, जो बांग्लादेश का स्टॉल वगैरह था। सो यहाँ से नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या है इसमें। चलो
সার্কাসের ওখানে একবার দেখে এসে তারপরে আমার বন্ধু ওখানে আমার বন্ধু সেখানে তখন यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, यही सबसे फेमस जो जिलेपी का शॉप है, भेटागुड़ी का जिलेपी। यहाँ पे देखो कितना लाइन है, ये कल संडे का दिन और ज़्यादा लाइन होने वाला है इसमें। कंटिन्यू इन लोग जब बना रहे तब भी यहाँ पे इतना लाइन है। काफ़ी फेमस है, नाम से फेमस है, टेस्ट भी ठीक ही है। काफ़ी ओल्ड शॉप है, एवरी ईयर इन लोग आते हैं यहाँ पे। 160 का किलो है, आप अंदर बैठ के भी खा सकते हो। मैक्सिमम लोग पार्सल ही कराते हैं। जिलेबी का और भी यहाँ पे शॉप है, बट ये दोनों स्पेशली ये वाला भेटागुड़ी जिलेबी। अभी हम लोग इस एरिया से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मेन रोड, देन रोड से आगे जो मदन मोहन मंदिर एरिया है उस एरिया में आगे जाएंगे। ये जो मेन रोड है इसमें नो एंट्री कर दिया, तो इसमें काफ़ी स्पेस मिल गया। दोनों साइड में स्टॉल है, बेसिकली यहाँ पे कपड़े का स्टॉल है दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट। और बीच में जो नॉर्मल टॉयज़ वगैरह है या फिर कुछ स्मॉल लाइक घर का इम्पोर्टेंट चीज़ वगैरह है, उसका स्टॉल बीच में लगा है रोड का बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइक्स वगैरह कुछ भी जाएगा नहीं, तो इजीली यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं। और ये कनेक्टिंग रोड भी है सारे एरिया में, सीधा ये रोड आगे मेन हाईवे में जाता है, जहाँ से आपको बस वगैरह मिलता है टाउन से बाहर जाने के। अब देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट सारे स्टॉल ही है। सारे शॉप में फिक्स प्राइस तरह का लिखा है। ये जो पीठा बनने का जो छाछ होता है वो उसका शॉप है, 30 रुपीज़ का मिलता है ये तीन। देखो प्राइस सब में फिक्स्ड है, लिखा है ऑलरेडी 100, 130, 220। ये कोलकाता शू, ये कोलकाता से आया है स्पेशल कुछ शो का शॉप। ये ENTC एक शॉप है, डायरेक्ट 50% है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शॉप है। जो भी प्राइस है उसका पिन रेट से 50% मिलेगा आपको। बेड कवर, बेड शीट, एवरीथिंग। ऑलमोस्ट हम लोग चौक में पहुंच गया है, मैं वॉक करके जा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे डिस्टेंस काफ़ी कम एरिया है। तो यहां पे देखो ये शॉप है, इसको टमटम कार का शॉप बोलता है, टमटम गाड़ी बोलता है उसको। ये मेला का सबसे फेमस थिंग्स है, बहुत पुराना दिन से आ रहे, पहले 2-3 रुपये प्राइस था, अभी 20 रुपीज़ का हो गया। तो इन लोग यहाँ पे साइड में इंडिपेंडेंट स्कूल है उसके बगल में ये बनाते हैं और फिर यहाँ पे सेल करते हैं। सो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मदन मोहन बाड़ी, जो मेन मंदिर है, जो राश मेला है उन्हीं का नाम से, उन्हीं का पूजा से चालू होता है ये, स्टार्ट होता है पूर्णिमा का दिन से।
तो वहाँ पे अभी चलते हैं और देखते हैं उसमें किस तरह का डेकोरेट किया है। तो ये जो रोड है काफ़ी रश है इसमें, क्योंकि सब जितना भी मेला में आते हैं सब एक बार उस मंदिर में एंटर करते ही है। जैसे कि ये लोग दो पार्ट में जाते हैं, लेफ्ट से सब जा रहे, राइट से सब आएगा, तो ऑलरेडी सेपरेट है, क्योंकि अगर ऐसे नहीं मेंटेन करेगा तो काफ़ी क्या वो सोचेगा। ये मंदिर जाने का रोड में लेफ्ट एंड राइट शॉप से पूरा पैक्ड है, देख सकते हो कितना सारा शॉप्स यहाँ पे है, बुक्स का, टॉयज का। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, रोड से 100 मीटर का है, 50 मीटर का, बट अब जल्दी चल नहीं सकते हो भीड़ की वजह से, तो इसलिए टाइम लग रहा है जाने में इस जगह में। ये कुछ पीतल का चीज़ों का शॉप है राइट में, तो ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे देखो जेम्स एंड लेडीज़ का सेपरेट एंट्री पॉइंट है, ये लेफ्ट वाला पुरुष लिखा है जो जेम्स का है, राइट वाला लेडीज़ का है, तो दो तरफ से आप जा सकते हो, लेडीज़ और राइट में जाएगा, जो जेम्स और लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह अवेलेबल है, तो इन लोग काफ़ी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे एंट्री करा रहे हैं। कल संडे का दिन तो काफ़ी रश होगा, तो आज सैटरडे है 13 नवंबर, पर आज ठीक है जाने के लिए। और लेफ्ट में घुस खाने का शॉप भी है यहाँ पे, उसको परचेस करने पूजा देने के लिए वो ले सकते हो। सो ये एंट्री पॉइंट हो गया, एंट्री पॉइंट आते ही यहाँ पे आपको जो चेकअप है वो चेकअप करके जाना पड़ेगा यहाँ पे मशीन के अंदर से। और कुछ यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा अच्छा थीम बनाया लेफ्ट राइट में, आप सारे थीम अभी मैं दिखाऊँगा। और ये जो है ये रश, इसी को सब राश चक्र बोलता है, इसी को सब घुमाता है, जो भी यहाँ पे आता है तो उसको एक बार घुमाते हैं। छोटे बच्चा डायरेक्ट नहीं घुमा सकते, थोड़ा हाइट में होता है तो उसको उठा के घुमाना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम जो थीम बना है वो एक्चुअली श्री कृष्ण का जो है, उनका श्री कृष्ण भगवान होता है, उनका रिलेटेड मैक्सिमम थीम है, उनका कहानी का रिलेटेड थीम है। लेफ्ट में देखो ये सब राजकुमार है, ये पे स्टैंड है, तो हाथ उठा के इसको पकड़ना पड़ेगा, देन ये घुमा सकते। यहाँ पे कोई रिलीजियस कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा आ सकते हैं, कोई भी आए, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी आ सकते हैं और वो घुमा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। यहाँ पे एक थीम बनाया जो कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है वो देखो यहाँ पे बनाया है, थर्मोकोल का काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग बनाया है, लॉन्ग भी है। और पीछे काफ़ी सारा थीम वगैरह है जो मैंने अभी बोला, वो थीम भी है, उसको आपको पढ़ के देखना है। मैं रैंडमली बस कवर कर रहा हूँ, आप जब आओगे प्रॉपर देख सकते हो। ये मलेशिया का जो टावर है वो टावर का बना है थीम। Yeah.
उधर लेप में एक बड़ा करके जो शिव भगवान होता है उनका एक बड़ा सा वो लगाया है, मूर्ति बनाया है इसमें। और राइट में कुछ बुक शॉप है, और शॉप मीन्स शोपीस के लिए दिखाने के लिए, सेल के लिए नहीं। और उसमें कुछ ड्राइंग वगैरह है, ड्राइंग रखा है उसमें। हो नहीं पाया लास्ट ईयर, थोड़ा बड़ा हुआ है, बट फिर भी लोगों का अंदर एक डर सा था, तो उतना लोग आया नहीं लास्ट टाइम। बट इस 2022 में थोड़ा सा कोविड का भी स्थिति सही है, तो इसलिए इस बार काफ़ी रश होना चालू हो गया, और कल संडे से तो काफ़ी चालू हो जाएगा। रोड देख क्या, सो ये मंदिर से ऑलरेडी हम लोग सारे एरिया कवर कर लिया है, अभी बाहर की तरफ निकलते हैं धीरे धीरे। বাকি বাকি আছে শুধু সার্কাসের জায়গাটা।
मंदिर जो है नंदनवन मंदिर, ये राजमहला के टाइम स्पेशली काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है एवरी ईयर। बाकी नॉर्मल टाइम में भी भीड़ रहता है, बट इस टाइम में थोड़ा अच्छा से डेकोरेट करते हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी बंदा एक बार तो विजिट करते ही होगा इसे। सो ये एग्जिट कर रहे हैं अभी मंदिर से। सो अभी फिर से हम लोग मेला का फिल्म चल रही है राइट में, यहाँ पे ये जो गली है एरिया यहाँ से ख़त्म होता है, आगे सीधा सागर देखी मिलेगा, लेफ्ट में नदन बाजार एरिया और राइट में आपको मिलेगा हरीशपाल जो मार्केट। सो अभी हम लोग फिर से मेला की तरफ जा रहे हैं, अभी एंट्री किया था ऐसी रोड से थोड़ा आगे से, अभी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। मंदिर का जो मेन गेट है अभी ये क्लोज्ड है, इधर से कोई एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है, सेपरेट एंट्री एग्जिट किया है। नॉर्मल अदर्स टाइम में यहाँ पे शू ओपन करके आपको जाना पड़ता है, बट अभी लोग ज़्यादा है और मेंटेन करना पॉसिबल भी नहीं है शू रख के, तो अभी इसलिए एंट्री एंड एग्जिट अलग अलग गेट बना दिया है ऐसे। लेफ्ट एंड राइट में काफी सारा स्मॉल स्मॉल शॉप है, बैग्स का, बुक्स का, या फिर घर का एसेंशियल कुछ चीजों का, ये बर्तन वगैरह का भी शॉप है। जाने के टाइम मैक्सिमम मैं ऑलरेडी कवर किया, बट अभी एक मोटा मोटा दिखा रहा हूँ ऊपर से। ये पीतल का शॉप, पीतल का चीज़ है। बोल भी जो हमने नीचे ये काफ़ी बड़ा बुक शॉप है लेफ्ट में, जब निकल रहे एग्जिट की तरफ तो लेफ्ट में पड़ता है। विवेकानंदर बोई आछे छोटो, जो नॉर्मल किताब, स्टोरी बुक्स, जो धार्मिक बुक है, वेद, रामायण महाभारत, सारे बुक्स हैं बड़े बड़े। ये टैक्सी स्टैंड एरिया है जो मदन मोहन माड़ी का बगल में था, वो अभी बंद है, तो उसी में भी अभी काफ़ी सारे स्टॉल लगा है। ये आचार शॉप है, मैक्सिमम तरह का आचार वगैरह यहाँ पे है।
ये लेफ्ट में ये जो ग्रुप है, ये जो लड़का है फ़ोन में, ये अभी देखा हुआ मेरे कज़िन सिस्टर का बेटा है, उन लोग एक ग्रुप में आए हैं, सब बात किए हुए। तो आगे जो मोड़ आया ये देखो, ये उसी मोड़ जहाँ से एंट्री किया था हम लोग, मतलब मंदिर की तरफ, उसी मोड़ है। लेफ्ट में जो एरिया है ये सीधा जो MGN हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज है उसी एरिया में जाता है। तो दोनों रोड देखो पूरा ब्लॉक है, दोनों तरफ से शॉप से कवर्ड है। और जो ये सीधा एरिया है ये जाएगा अभी सीधा जो अपना एवेंचुअल कॉलेज एंड स्कूल है उधर की तरफ, उधर की तरफ जो अपना सर्कस आया इस बार मेला में अजंता सर्कस, तो उसी एरिया में है। तो अभी उधर ही मूव करते हैं, देखते हैं उस तरफ में क्या कंडीशन अभी है। तो ये रोड जाने से जाते जाते लेफ्ट एंड राइट में काफ़ी सारा शॉप्स भी है, आप देख सकते हो काफ़ी स्टॉल लगा है इसमें। एक इसमें एक्वेरियम शॉप भी है जिसमें पेट वगैरह लाइक रैबिट बर्ड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ऐसे एक शॉप है। और लेफ्ट में काफ़ी सारा कपड़ा का है, क्लोथ्स का। ये देखो घर का कुछ एसेंशियल चीज़ें, ये एक राइनोसोरस जो है उसका एक बनाया वुडेन से या बेत से बेत। ये जेनकिंग स्कूल का गेट है, उसका गेट का सामने ये दार्जिलिंग मोमो लिखा है, जो ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक शॉप था, अभी डेकोरेट करके इन लोग मेला के लिए स्पेशली बनाया। ये राइट में इंडियन स्टेडियम का एंट्री है और हम सीधा जा रहे हैं, क्योंकि सीधा में जो सर्कस का शो हो रहा है वहाँ पे सीधा ही है, उसका गेट में चलते हैं और देखते हैं इस बार क्या कंडीशन है। ये अभी जब मैं 7 नवंबर को आया था तो उस टाइम प्रिपरेशन चल रहा था, चालू नहीं हुआ था। तो ये सर्कस एरिया का एंट्री है, ये इस बार सर्कस है उसका नाम अजंता सर्कस है। पहले क्या था, काफ़ी सारे एनिमल्स आता था तो सर्कस का थोड़ा अलग ही मज़ा था, पर अभी एनिमल्स आई थिंक गवर्नमेंट से बंद हो गया तो कोई एनिमल्स नहीं है अभी, नॉर्मल जो जिमनास्टिक वगैरह है या शोज वगैरह यही सब है जो कॉमेडी शो होता है। तो इस बार जो एंट्री फी है वो 100 रुपीज़ का, जो गैलरी है वो 100 रुपीज़ का है, और बाकी जो चेयर है वो 200 का है, और जो अजंता सर्कल जो एकदम सामने होता है वो 300 का है। सो यही प्राइस रेट है 100, 200, 300, बट अभी लाइक एनिमल्स वगैरह बंद है तो आपको काफ़ी उतना मज़ा नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। टाइमिंग कितना मज़ा अभी जो अवेलेबल है उसी में आपको देखना है। अच्छा, शो टाइमिंग है इसका 3 घंटा का, 3 टाइम का शो है, 1 PM, 4 PM एंड 7 PM। बता दो कुछ एनिमल आया क्या इस बार, कुछ एनिमल मतलब हाथी फट है, आपको जिस तरह का सूटेबल लगे जो टाइम उस टाइम के हिसाब से आ सकते हैं। कुछ भी नहीं तो कैसे अच्छा लगेगा फिर, अभी हम लोग देखे नहीं अभी तक, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक टाइम निकल के आएंगे। तो ये डेवी 3 शो या बोर्ड भी है, 1 PM, 4 PM एंड 7 PM। चलो कुछ नहीं है, एनिमल्स वगैरह नहीं है, बट अंदर कुछ राइड्स वगैरह, बाइक राइड्स का एक अच्छा गेम है। जैसे अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्स 9 PM, अभी एक ग्रुप अंदर से बाहर निकल गया, और बाकी कुछ नहीं। 300 टिकट दिए, 200 टिकट दिए, ये बाबा বাচ্চা বেরিয়ে এলো মানে অনেক মনে বড় ব্যাপার, ছোটো বাচ্চা বেরিয়ে এলো না দেখে। जो बंदा बाहर निकला मैं उसको पूछा था इतना जल्दी क्यों निकले, तो बोलते हैं कि कोई एनिमल्स वगैरह नहीं है तो उतना मज़ा उनको नहीं आ रहा है, तो उन लोग बोर हो गए ऐसा कुछ। बट ठीक है, बाकी एनिमल्स अगर गवर्नमेंट से बना है तो मना है, बट बाकी जो चीज़ है उससे आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमम। बाकी सारा जिमनास्टिक वगैरह होता है या बाइक का रेसिंग का शो होता है तो ये सब भी देख सकते हैं, बाइक राइड्स होते हैं, डेंजर राइड्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉमेडी शो भी है। आपको जिस तरह का मतलब जो है उसी में आपको पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। सो सर्कस एरिया से अभी मूव करके फिर से अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं, अभी कुछ फूड स्टॉल है जहाँ पे अभी कुछ खाना है हमें, वहाँ पे चलते हैं, और फिर जो दो एक एरिया बचा है वो
मूव कर क्लोज करते हैं। ये सरका जगह का सामने फिर से मेरा एक दूसरा एक भांजा का देखा हुआ है, ये फैमिली लेके आया है। अभी सारे शॉप्स वगैरह ऑलरेडी कवर हो गया जो दोनों फील्ड में है, रोड साइड में है। एक एरिया अभी बचा है जो कुछ भी क्लब करके एरिया है, उस एरिया में बचा है, वो लास्ट में निकलता हूँ। अभी अभी मेरा एक फ्रेंड्स का ही यहाँ पे एक शॉप है जो चिकन का शॉप है, चिकन मोमो वगैरह, तो कुछ यहाँ पे खा लेते हैं उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो उसी दौरान उसका शॉप का भी आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या प्राइस रेट है, सो क्वालिटी वगैरह कैसा है खाने का। नॉर्मली मैं वहाँ पे हमेशा ही खाता हूँ, उसका नॉर्मल स्टॉल भी है, वंडर स्वीट का शॉप है उसके बाजू में। सो अभी मेला का टाइम है, वो यहाँ पर अंदर भी रखा है। तो ये शॉप है, वो चिकन शॉप जिसका मैं बात कर रहा था, मेरा फ्रेंड का है। ये शॉप का नाम प्लान बी है, ये मेरा फ्रेंड है जो अभी कुकिंग कर रहे हैं अभी। इसका प्राइस चार्ट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब 120, 100, 140, 70, 80 का, जो बाकी मार्केट में जो प्राइस है उससे काफ़ी थोड़ा सस्ता है यहाँ पे। और उससे क्वालिटी जो है काफ़ी फ्रेश रहता है, आप जो नॉर्मल शॉप में खाओगे उसमें आपको जो भी लगेगा, बट यहाँ पे आपका क्वालिटी वगैरह। ये शॉप में बैठने का जो तीन ही एक स्टूल लगा के इसमें टेबल बैठा है इसमें, बट मैं हमेशा यहाँ पे खाता हूँ कि मुझे पता है इसके क्वालिटी के बारे में, क्योंकि ये फ्रेश बनाते हैं। आप देख सकते हो डायरेक्ट, ये एक तंदूर मशीन है जो नीचे कोयला है, कोयले में डायरेक्ट ये सेक के दे रहे, तो आपका सामने ही दे रहे। नॉर्मल शॉप में अंदर देखा आपको कैसे दे रहे आपको उतना आइडिया नहीं होगा, हो सकता है अच्छा है, बट ये आपका सामने बना रहे सीधे, तो इसका क्वालिटी आपको सामने से देख के पता चलेगा। तो जो चिकन लवर है वो यहाँ पे आके खा सकते हैं, इट्स ओनली फॉर सजेशन। सो ये जो पाशकोड़ा का शॉप था उसमें मैं कुछ अभी चॉप वगैरह खरीद रहा हूँ घर के लिए। ये पाशकोड़ा चॉप, मैं दो तीन तरह का चॉप लिया इसे। सो आगे मूव करते हैं, जो लास्ट एरिया अपना बचा है वो अपना जो कोलगर क्लब का एरिया है, उसी एरिया में जा रहा हूँ अभी। ये एमजेएल स्टेडियम का जो मेन एंट्रेंस है उसी से हम एग्जिट कर रहे हैं, इससे मेन रोड की तरफ। और यहाँ से लेफ्ट जो है ये सीधा श्री कृष्ण भंडार या नतुन बाजार एरिया जाएगा, हम उधर ही मूव कर रहे हैं अभी। यहाँ पे एक टॉय मुझे पसंद हो रहा है, ये पीकॉक का परचेस करना है अनम के लिए। ये 50 रुपीस का है सारे टॉय, ऊपर का जो 50 और नीचे वाला जो स्मॉल है ये 40 का है। 50 वाला काफ़ी अच्छा दिखने में, तो जो भी आपको चूज़ हो रहा है ये आपको सामने बना के देगा। Thank you.
सुनो ये राइट में सड़ता ड्रेस हाउस है, यहीं से हम लोग राइट में मूव करेंगे। सो आज सैटरडे का दिन जो भी बंदा मेला में आया है और लकीली मैं शूट कर रहा हूँ उसमें, अगर वो दिख गया तो आपको वीडियो में दिख जाएगा। इसको भी यहाँ पे दिख रहे हो तो 100% मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मेरा चैनल वेल एस्टेब्लिश होने के लिए, और जो बाकी जो भी बंदा है जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको रिक्वेस्ट है कि मैक्स टू मैक्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो मैक्सिमम आप शेयर करिए, सो दैट सारे बंदा इसको देख सकते हैं, ये मेला का पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं। सो ये कुछ भाई क्लब एरिया मूव कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो शॉप है लेफ्ट एंड राइट में, ये बेसिकली जो कारपेट का है, वैराइटीज टाइप का कारपेट है, बाहर से ही आता है, काफ़ी डिजाइनिंग कारपेट है और काफ़ी नॉर्मल जो प्राइस रेट होता है दुकान में शॉप में उससे काफ़ी सस्ता होता है, 1500-2000 में काफ़ी अच्छा अच्छा क्वालिटी कारपेट मिलता है बड़े बड़े साइज का। यहाँ पे देखो एक आइसक्रीम शॉप है, टर्किश आइसक्रीम, तो ये एक आइसक्रीम देता है लेकिन देखो इसमें इसके हैंड में काफ़ी अच्छा तरह का बना के देता है, इस तरह का लाइक मैजिक शो दिखाता है ये कंटिन्यू, देखो हाथ से लिया दिया। इसके काफ़ी जगह शो है इस तरह का, तो जो भी शो पहले करता है ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी चलता रहता है टीवी में, तो तब से एक ही आइसक्रीम दे रहे हैं बंदे बच्चे को। इधर रश थोड़ा कम होता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी का शॉप वगैरह भी आता है, तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है इस एरिया में जो भी चीज़ें हैं क्योंकि क्वालिटी काफ़ी हाई होता है हर चीज़ का। वैसे ये अंदर जा रहे हैं कुछ भाई क्लब का जो पहला एंट्री है अंदर, देखो यहाँ पे जो भी शॉप्स राइट में जो लेदर शॉप है ये काफ़ी एकदम प्योर लेदर का शॉप है, इसमें अगर बोर्ड भी टंगाए अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि लेदर का शॉप है कोई भी आइटम तो आपको 50,000 रुपीज़ इंस्टेंट कैश में मिल जाएगा, दैट मीन इनका है लाइक कॉन्फिडेंस है क्योंकि ओरिजिनल अगर कोई लाएगा तो कॉन्फिडेंस होगा इसको ना। सो बाकी ये भी शॉप है कुछ घर का एसेंशियल चीज़ों का, ऐसा नहीं कि हर चीज़ महंगा है, कुछ नॉर्मल चीज़ें भी है बट ठीक है, थोड़ा क्वालिटी वाला चीज़ मिलता है इस एरिया में। ये साल वगैरह है, कश्मीर से भी काफ़ी सारा शॉप आया, कश्मीर का साल स्वेटर सब का भी अच्छा अच्छा शॉप आया है। अभी थोड़ा भीड़ कम दिख रहा है, भीड़ ये बढ़ता जाएगा डे बाई डे जैसे ही आगे चलता जाएगा, कल संडे कल भी काफ़ी भीड़ होगा। मैक्सिमम शॉप क्लोथ्स का ही है इस एरिया में, बाकी अदर शॉप भी है कुछ बट क्लोथ्स मैक्सिमम है। ये एक टॉयस का शॉप है बच्चों का, बड़े का भी। एक शू का शॉप है, जयपुरी शू, तो इसी का अंदर से और एक स्टॉल एरिया है, एरिया में स्टॉल है कुछ लोग क्लब का, काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, तो ये वाला एरिया लेफ्ट वाला, नेक्स्ट एरिया चलते हैं। ये टेस्टी एंड डाइजेस्टिव कुछ चूरन जो होता है उस तरह का कुछ चीज़ें है जो आप ले सकते हो जो खाना है, और ये कप प्लेट वगैरह है काफ़ी डिजाइनिंग अच्छे तरह का, ये घर का कोई एसेंशियल चीज़ है लाइक घर डेकोरेटिंग का चीज़, एक चेयर टेबल स्टूल काफ़ी डिजाइनिंग का, यू कैन सी ये चेयर,
मतलब फैंसी फर्नीचर जो है वो यहाँ पे एक शॉप एवरी ईयर आता है मेला में, तो इस बार इन लोग क्लब में ही लगाया है। इसमें एक कश्मीर का शॉप है, कश्मीर का जगह फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसका प्योर ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा क्योंकि ओरिजिनल है, तो जिसको शौक है वो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये शॉप है बेल्ट सनग्लास का, कुछ क्लोथ्स का, तो इस एरिए में भी काफ़ी सारा चीज़ आपको बेसिकली मिल रहा है। ये मणिपुरम गोल्ड का कुछ है, नॉर्मली है वो है बाबा, दाम सुनिए तो। तो ये एक स्पेशल शॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डॉल शॉप, काफ़ी ब्यूटीफुल डॉल यहाँ पे देखो डिजाइन का रख रहे हैं। शोपीस के लिए बेसिकली है, खेलने के लिए डायरेक्ट शोपीस के लिए। इन लोग फिक्स करके रखा है, आप बच्चों लेके खेल भी सकते हैं उसका ऊपर है, बट काफ़ी डिजाइनिंग अच्छा क्वालिटी का है डॉल्स। प्राइस अब 250-300-350 इस तरह का है, महंगा है काफ़ी, ये एज पर क्वालिटी प्राइस है। सो ये कोचबे क्लब एरिया से हम लोग बाहर निकल गया, गेट में ये एक स्वीट का शॉप है, ये राइट में सीधा तेतुल तला, यहाँ से बाहर मेला से बाहर एरिया जा सकते हो। आगे से आपको जो भी ट्रैवल का है चीज़ें बाइक वगैरह बाहर पार्किंग है तो उधर से आप ले सकते हो, इसके अंदर इधर लेफ्ट में नो एंट्री है उसी गेट से। तो ये भावा पीठा बोलते हैं इसको, ये बना रहे पाटी छपटा, भावा पीठा, पुली पीठा, हर तरह का पीठा बेच रहे हैं यहाँ पे। ये कारपेट का शॉप है, अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं ऑलमोस्ट मेला में। ईच एंड एवरी एरिया कवर करने का ट्राई किया है, आई थिंक 90% एरिया, 95% एरिया कवर हो गया। मे बी कुछ सिमिलर शॉप है, एक ही तरह का दो तीन शॉप, उसको हम इग्नोर मीन्स वो मे बी एक दो गली मिस हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इम्पोर्टेंट शॉप वराइटी शॉप सारे के सारे कवर किया मैंने, और मेला में एक भी एरिया नहीं बचा है आई थिंक। तो आगे अगर कुछ नया चीज़ और आएगा तो मैं वो शूट करूँगा, या तो फिर कुछ अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों को अलग अलग छोटा वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लेंदी होगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक वीडियो ऐसा बनाऊँ कि मेला का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिले और सारे की सारे चीज़ कवर हो जाए, कि एक बंदा जो मेला में आया नहीं वो देखे, या जो नहीं आएगा वो देख के पूरा उस पर एक ओवरव्यू मिले। ये एक शॉप है, ये असम से है, असम का जो फेमस जो ड्रेस है मेघला, उसी का ड्रेस का शॉप है ये। अम्ब्रेला भी लाया है उनका उधर से, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है असम मेघला हाउस। कम लेडीज़ का ड्रेस है, वो शौक है जिसको वो ले सकते हैं। ये भी पुली पीठा का, इसमें पीठा का सब तीन चार है यहाँ पे, तो यह कुछ पीठा मैं भी परचेस किया अभी घर के लिए। ভাবা পিঠা কত করে তিনটা দিন না চারটা দিন না বেসিক্যালি পাঁচটা দিন রেডি আছে দেখো কেসে বানাতে হয় পে কেসে ইস তরহ কা রহতা হ্যায় উসকো উপর এসে ডালতে হ্যায় ছাছ মে আর ভাপ মে বানতা হ্যায় ইসলিয়ে ভাপা পিঠা বলতা হ্যায় ইসকা নাম 10 রুপিস কা প্রাইস হোতা হ্যায় জিক করকে কাফি হেলদি হোতা হ্যায় ইসমে কোই অয়েল নেই কুছ নেই তো কাফি হেলদি চিজ হ্যায় बच्चों को लेकर भी खिला सकते हो। तो ये मेला का जो पूरा ओवर भी वीडियो हुआ, ये आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ, और यह मेला के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स से बता सकते हो। मैं इसका एकदम बगल में रहता हूँ और ऑलमोस्ट डेली मैं यहाँ पे एक बार घूमने आ रहा हूँ मेरे बेटी के साथ, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए मैक्सिमम मुझे जो पता है वो मैं अभी उसी टाइम दे दूँगा, जो नहीं पता है वो मैं आपको लेके कलेक्ट करके दे सकता हूँ। और मैक्स टू मैक्स ये वीडियो को आप लोग शेयर करो हर जगह पे, को सारे बंदा को ये वीडियो पहुंच जाए, और सारे बंदा को ये कोच बिहार राष्ट्र मेला जो 2022 में चल रहा है उसका ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए वो देख सकते हैं। और मेरा जो वीडियो है, ये अपना जो वीडियो है, इसको प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, शेयर करिए, और अपना चैनल को मैक्स टू मैक्स सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैक्स टू मैक्स जो भी सब्सक्राइबर का मुझे रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल जाए, और मुझे इस तरह का और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उस तरह का बनाने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आए और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ।
तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, आप लोग मेला में आइए और एंजॉय करिए। तो शेष वीडियो।